गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम पुलिस ने सॉफ्ट ड्रिंक की आड़ में अवैध शराब तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में शराब तस्करी करने वाले गिरोह का इंदिरापुरम पुलिस ने पर्दाफाश किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदया द्वारा होली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना इंदिरापुरम पुलिस की सतर्कता में उस समय सफलता प्राप्त हुई जब गौर ग्रीन चौराहा कट के पास 5 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। देखिए, एक इनपुट था, हम लोग गाजियाबाद की पुलिस होली के दृष्टिगत शराब माफियाओं के विरुद्ध एक अभियान चला रखा था, जिसके अंतर्गत इंदिरापुरम पुलिस को और क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है। बीती रात्रि इसके अंतर्गत संदिग्ध गाड़ी को चेक किया गया और मुखबिर की सूचना पर तो उस गाड़ी में 1052 पेटी शराब जो कि बरामद हुई है, और ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 4 हरियाणा के रहने वाले हैं, 1 बुलंदशहर का रहने वाला है। पूछने पे इनके द्वारा बताया गया कि ये शराब लेकर के जाते हैं और बुलंदशहर में और ऐसे ही अन्य जगहों पर ये इसकी सप्लाई करते हैं, और होली के त्यौहार के दृष्टिगत चूँकि डिमांड रहती है तो उसी में सप्लाई इनकी और ज़्यादा हो जाती है। जो इनका काम करने का तरीका था वो ये था कि ये ट्रक में जो पीछे वाला जो गेट होता है या जो छोटा गेट होता है उसके पास ये शराब को छुपाने के लिए वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और गत्ते रखा करते थे कि ताकि पुलिस अगर चेक करे तो वो कोल्ड ड्रिंक के रूप में आए। कोल्ड ड्रिंक के कुछ कागजात भी रखा करते थे ये, लेकिन हमारी जो इंदिरापुरम जो पुलिस थी उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी गहन छानबीन से ये पूरा गैंग उजागर हुआ, इनको पकड़ा गया है, इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में जो और भी लोग हैं जो बुलंदशहर के हैं और जो हरियाणा के हैं, उनकी हम लोग गहन पूछताछ करके और उनकी तलाश कर रहे हैं, शीघ्र भी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। ये लगभग जो शराब की कीमत है लगभग 35 लाख रुपए की जो इसकी शराब की कीमत है, और इसमें जैसा कि आपने देखा होगा एक ब्लू मूड नाम का जो है लेबल वो चिपका हुआ है, बाकी कुछ लेबल और भी हैं जो मिले हैं। इनका जो मॉडल सप्लाई ये था कि ये ले जा करके बुलंदशहर में इसको उतारते और वहाँ पर ये इसको लेबलिंग करते, लेबलिंग करके दोबारा फिर ये बेचते, जैसा कि इन लोगों का कहना है, पूछताछ से ज्ञात हुआ है। तो अभी हम लोग और गहन इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि और किन किन ब्रांड के नाम से ये इसको बेचा करते थे, पहले भी बेचा करते थे, इनमें से कई पहले भी शराब में ही जेल जा चुके हैं, तो हम लोग पूरा अभी गहन पूछताछ इनसे कर रहे हैं। सर प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल इनमें से कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये 10वीं पास 12वीं पास और 4थी 5वीं पास लोग हैं, और हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। सर दिल्ली के हालातों के चलते बॉर्डर सभी सील हैं, ये मुखबिर की सूचना में पकड़े गए, कल भी लिंक रोड में पकड़े गए, तो ऐसे में बॉर्डर से ये लोग क्रॉस हालांकि करा ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए, खासकर इस समय क्योंकि पुलिस की नज़र अराजक तत्वों पर भी फोकस भी वहीं पर ही है। नहीं, आपका ठीक है कहना, बट आपको ये भी पता है कि सारी सीमाएं नहीं सील है, हमारा जो यूपी गेट वाला बॉर्डर है वो खुला हुआ है, और वहाँ पर चूँकि हम लोग जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई है, तो ये यूपी गेट के रास्ते से ही निकल के जा रहे थे, जहाँ पर इनको हमारी बॉर्डर की पुलिस की सतर्कता के कारण ही ये पकड़े गए। क्या ये यूपी की शराब का लेबल लगा के बेचा करते थे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया, बस बहुत हो गया।